कोलकाता के साउदर्न एवेन्यू स्थित वेद भवन के निकट प्याऊ का लोकार्पण हुआ। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 87 की वार्ड पार्षदा मनीषा बोस के द्वारा इस प्याऊ का लोकार्पण हुआ। उन्होंने नारियल तोड़ के और फीता काट के इस प्याऊ का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण में आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। प्याऊ का निर्माण स्वर्गीय राजकुमार पाडिया की याद में किया गया और इसको सौजन्य श्रीमती पुष्पा पाडिया, श्री सिद्धार्थ पाडिया और श्री साकेत पाडिया द्वारा किया गया। प्याऊ की पहल श्री उत्तम कुमार गुप्ता के उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम का आयोजन और देख रेख का कार्य जल सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया और इस प्याऊ के लोकार्पण का आयोजन जल सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश खेमका जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। निर्माण किया उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे इस एरिया में डिमांड था, यहाँ पास ही एक मंदिर है वहाँ के लोगों का, प्लस यहाँ जितने आते जाते लोग हैं, एक डिमांड था प्यो के लिए। इसलिए जब जल सेवा ने हमें अप्रोच किया तो ये साइट हम लोग दिखाए कि यहाँ पे आप कर सकते हैं जल सेवा का। इस तरह के जो नेक कार्य कर रही है सरकार के द्वारा प्रेरणा स्रोत, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जल ही जीवन है, सबको पता है, और अगर आप एक प्यासे को पानी पिला सके उससे बड़ी बात तो कोई और हो नहीं सकती। तो ये जो कर रहे हैं काम, ये इनिशिएटिव लेके किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हर हिसाब से ही अच्छा है लोगों के लिए। लोग भी खुश रहते हैं कि हाँ चलिए कोई सुन रहा है हमारी बात, प्यासे को पानी मिल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा नेक बात है। और कई जगह जो पानी व्यर्थ हो रहा है, कई जगह लोग नल खुले छोड़ देते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब गवर्नमेंट या KMC की तरफ से जब नल लगवाए जाते हैं, क्या होता है, नल चोरी कर लेते हैं तो पानी गिरने लगता है। जैसे ही कंप्लेन आता है वी ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे कंप्लेन आ रहा है कि यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का पूर्व आज है, उसके उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस पे क्या कहेंगे आप? 75th ईयर है हमारे स्वतंत्रता का, इस साल एक माइलस्टोन ही है। इस साल मुझे लगता है बहुत बहुत कुछ ही इम्पोर्टेंट है। 75th ईयर है, लोग बाहर पहले की तरह नॉर्मल लाइफ पे जा रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ ही हम लोग देख पा रहे हैं 75th ईयर में। और आने वाले नए युवक को और युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवक युवती अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हेल्दी रहना लोगों के लिए करना, देश के लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ थोड़ा शायद कम रहा या हम ही अप्रोच नहीं कर पा रहे या बच्चों को हम लोग मोटिवेट नहीं कर पा रहे, कहीं एक गैप है, ये बहुत ज़रूरी है इन करना, बच्चों को मोटिवेट करना, समझाना। आजकल के जो बच्चे बाहर खेलकूद कम करके अपना जीवन इंटरनेट और मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ये मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे भी सेम कर रहे हैं। मैं यही बोल सकती हूँ कि हमें उनको, देखिए उनके पास स्कोप नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्क कहाँ है, कहाँ आप खिलवाइएगा बच्चों को। 87 वार्ड में 2 बुले वार्ड है, हम लोग दोनों बुले वार्ड को एक सीनियर सिटीजन लोगों के लिए और एक बच्चों के लिए उसको पूरा अच्छे से ब्यूटीफाई कर रहे हैं, एक बच्चों का प्लेइंग एरिया बना रहे हैं। अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को उत्साह देना चाहिए कि नहीं बाहर जाओ, निकलो, आउटडोर गेम्स में, मैंने आउटडोर गेम्स के प्रति उनका ये बढ़ाना चाहिए कि हाँ बाहर में जाना है, खेलना है, हेल्दी रहना है। बाहर खेलेंगे कूदेंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम वार्ड 87 के काउंसिलर, हमारे जो हमारे साइड में मनीषा जी जो खड़े हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, जो उन्होंने ये मौका दिया हमें, ये स्थान दिया ये प्याऊ बनाने का। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि जल सेवा और जल दान ही सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है। और मैं बहुत खुशी के संग ये बोलना चाहता हूं कि आज हमें ये मौका मिला है ये शुभ कार्य करने का, जो मेरे पिताजी की स्मृति में
बनाया गया है और हम चाहते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो ये स्थित हुआ है आज, कि अधिक मात्रा में लोग इसका उपयोग करें, इसकी सेवा लें और इसका लाभ उठाएं। और इसके संग ही मैं उत्तम जी गुप्ता और समस्त जो अलायंस परिवार है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब कार्य में हमारी सहायता की और आज का ये दिन सफल करने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब ने इतना अच्छा प्याऊ का उद्घाटन किया, उसके उपलक्ष में आप क्या कहेंगे? सर, हमारी क्लब लायंस क्लब कलकत्ता 1957 से स्टेड है, पहली क्लब है यहाँ ईस्टर्न इंडिया की। और इस साल के स्टेनोड का ये 14वां वाटर हट है जो हमारे उत्तम जी के थ्रू ये इनोग्रेट किया गया है। और हम लोग का ये लक्ष्य है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जल का, ये इस तरह से पेयजल का व्यवस्था किया जाए। हम उम्मीद करते हैं ये हमारा 14 है और हर महीने कम से कम एक या दो वाटर हट जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ये पूरा किया जाए। आने वाला टाइम में हर महीने में, इसके कमरे हमारे उत्तम जी हैं, हर महीने में ऑलरेडी एरिया लोकेट कर चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी एक या दो हर महीने में इस तरह का व्यवस्था हर एरिया में किया जाए जहाँ पानी की ज़रूरत हो। मेरा नाम केआर कृष्णराज गुप्ता हुआ, हम इस अलायंस क्लब कलकत्ता के करंट प्रेसिडेंट हैं। ये जो आप इस तरह का नेक कार्य कर रहे हैं, हर जगह आपकी प्रशंसा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? ये प्रशंसा एक आदमी की नहीं है, ये टीम वर्क है। कोई भी काम बिना टीम वर्क के हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी एक को आके रोल लेना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन पूरी टीम ही है। मेरे को अच्छी तरह पता है इस साल के शुरुआत में हमारे 2 साल कोविड पीरियड के कारण कुछ वाटर हट्स हमारे बंद हुए थे। मैंने बंटी भाई को फ़ोन किया कि बंटी भाई आगे करना क्या है। बंटी भाई ने कहा तुम आगे बढ़ो, पैसे की चिंता नहीं है, हम वाटर हट करेंगे और करेंगे। तो इनफैक्ट ये पहला जो वाटर हट है ये मैं अपने प्रेसिडेंट साहब कृष्णराज गुप्ता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इन्होंने खड़ा होकर बड़ा सपोर्ट दिया और इनफैक्ट पूरी टीम का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है। तो आगे भी हम ऐसा काम करते रहेंगे। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इनफैक्ट मैं एक बार दिल्ली गया था। दिल्ली में मुझे बीच रस्ते में बड़े प्यास लगी और प्यास ऐसी लगी कि मुझे करीब करीब आधे घंटे तक पानी नहीं मिला। तब मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर आधे घंटे तक हमें पानी नहीं मिलता है तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा कि जिनके पास वो सुविधा नहीं है। तो वो प्रोजेक्ट, वो आधे घंटे का पेड़, मेरे को हमेशा ख्याल आता है। वहाँ से मैं कलकत्ता आया, कलकत्ता आने के बाद मैंने देखा कि ये एक अच्छा चीज़ है जिसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट प्योर पानी की ज़रूरत सब जगह है, तो वहीं से ही कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में रहा है, उसी दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ता गया। फिर बाकी जो टीम सपोर्ट रही है वो बहुत बड़ा सहयोग का कारण बनता है हमारे लिए। उत्तम गुप्ता, लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता।